सर अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है? और मेरे पास ना पूरा प्लान है, आप परेशान मत हो। सर इससे पता है क्या होगा, आपकी सपोर्ट चाहिए बस। लड़की भी बच जाएगी और कुछ पैसे हमारी जेब में भी आ जाएंगे। कुछ पैसों में इतना बड़ा काम नहीं होता। सर ये कुछ पैसे नहीं, अच्छे खासे पैसे हैं। और सुने अगर लड़की फंस गई ना तो उसके बाप के जितने पैसे हैं ना वो सब वकीलों की जेब में जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा और लड़की भी नहीं बच पाएगी। सर उस लड़की की जिंदगी का नुकसान और ऊपर से हमारा भी नुकसान, जो पैसे हाथ में आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। सर जवान लड़की की जिंदगी का नुकसान और सर हमारा भी नुकसान, थोड़ा सा झोल तो बनता है ना सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आप सबका रामेश्वर। आज मेरी सहाफती जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, बल्कि यूं कहें कि सबसे अहम दिन है, जहां पुलिस की मदद और अपने इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के जरिए हम सीमी अहमद को बाजियाब करा चुके हैं। जी हां, सीमी अहमद बाजियाब हो गई हैं। वो सीमी अहमद जिन्हें पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया, वो सीमी अहमद आज आप सबके सामने खैर आफियत से, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया। थोड़ी सी तफसील आप सबको बताता चलूं, ये हुआ क्या है। दो डाकुओं ने सीमी अहमद को अगवा किया, जिनमें से एक उसका अपना दोस्त था। जी हां, अपना दोस्त जिसने पैसों की लालच में आकर अपनी ही दोस्त को अगवा किया और इस दोस्ती जैसे रिश्ते को दगा दिए। और बल्कि उसके साथ क्या हुआ, आपस में जो दोस्त जिन्होंने सीमी को अगवा किया था आपस में लड़ पड़े, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, कि पैसे वो रखे या दूसरा रखे। लेकिन इस सब में उनमें से एक की जान चली गई। जी हाँ, ये भी मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा चुका हूं। और सीमी अहमद अल्लाह के फजल से हिफाजत से। अफसोस की बात है। इस दोस्ती जैसे रिश्ते से लगता है भरोसा उठता जा रहा है। आइए कुछ पुलिस की जबानी में सुनते हैं। सर सर सर, एक अहम पॉइंट, आप कुछ कहने चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रामेश अली ने इस केस पर बहुत मेहनत की, ये पुलिस के शाना बशाना खड़ा रहा और इसी की वजह से हम इस केस की तह तक पहुंचे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। ले चलो इसे। I'm sorry, पापा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। आपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी थी बेटा। मैं तुम्हें वो वक्त दे ही नहीं सका जो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। पर मेरी बेटी इतनी दूर निकल गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बेटी ड्रग्स लेती रही और मैं बेखबर रहा। पापा, मैं इस सब से निकलना चाहती हूँ। हाँ, प्लीज मुझे इस सब से निकाल दे, मैं ठीक होना चाहती हूँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सबसे अच्छी रिहैब में भेजूंगा। बस तुम हौसला मत हारना। और हाँ, एक बात याद रखना कि इस वक्त जो इंसान तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है ना, वो तुम खुद हो। बी ब्रेव। थैंक यू पापा। अब चलें, डिनर करें। आपने इस बुरे वक्त में जिस तरह हीरो और पापा का साथ दिया है, उसके लिए आपको सॉरी कहना बहुत ही छोटा वर्ड होगा। सब बातों को छोड़ो और हमारे साथ मिलकर डिनर करो। मजे का खाना खाते हैं। चल आओ। मेरा नाम सीमी अहमद है और आप सबकी तरह मैं भी एक ड्रग एडिक्ट थी। जब इंसान
इन ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है तो उसे वो सारे लोग बुरे लगने लगते हैं जो उसे इन ड्रग्स से दूर करते हैं। मेरे डैड भी मुझे बहुत रोकते थे लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दुश्मन है। लेकिन पता है जब मैंने जिंदगी की तरफ लौटने के बारे में सोचा तो सबसे पहले मेरा साथ मेरे डैड ने दिया। इन ड्रग्स की वजह से मुझे लगता था मेरे पापा मेरे दुश्मन है, उन्होंने बहुत तकलीफ पहुंचाई, झूठ बोलकर उनसे पैसे लिए, उन्हें बहुत धोखा दिया। और पता है जब मैंने जिंदगी की तरफ वापस आने के बारे में सोचा तो सबसे पहले मेरा साथ किसने दिया? मेरे डैड ने। आज मेरा इस रिहाब में आखिरी दिन है और मैं आप सबको भी यही मैसेज दूंगी कि वो सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स या जो कोई भी, वो सब आपकी बेहतरी चाहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, जिस तरह से आपने मेरा इलाज किया है आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग जो इस काउंसलिंग सेशन में बैठे हैं यहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं।